कार्तिक महीने के छठ पूजा समापन के बाद तीसरे दिन अक्षय नवमी मनाई जाती है। अक्षय नवमी पर आंवला वृक्ष की विशेष पूजा होती है। धनबाद में भी महिलाओं ने छठ व्रत करने के बाद अक्षय नवमी के दिन उपवास रखकर आंवला वृक्ष की विधिवत पूजा की, भुआ फल का दान किया। इस पर्व को करने वाली महिलाओं की माने तो भारतीय संस्कृति में हर पर्व में प्रकृति द्वारा विकसित पेड़ पौधों की पूजा होती है। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और लंबी आयु के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों को कष्टों से मुक्त रखते हैं। छठ के बाद इस व्रत को करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आंवला पूजन में गुप्त दान का बहुत महत्व है। गुप्त दान किया जाता है जो किसी को भी पता ना हो, और इससे श्रीहरि बहुत प्रसन्न होते हैं। आंवला पूजा परिवार खुश रहे, हम लोग सारा परिवार अपने कुल के सुख समृद्धि, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आंवला पूजा का पूजा किया जाता है। पूजा का क्या महत्व है? आंवला पूजा का एक एक जी आप बताइए। आंवला पूजा का बहुत महत्व है, पूजनीय है। हम लोग हिंदू समाज के लोग किस तरह से पूजा करते हैं? आंवला पूजा पहले जल देते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं, फिर औरा चढ़ाते हैं, फिर बहुत जितना सोना चांदी भतुआ दान करते हैं। इसमें गुप्त दान का बहुत महत्व। हाँ, आंवला पूजा बहुत महत्व है हिंदुस्तान के लिए, पति के लिए, बाल बच्चा के लिए। फेरी लगाते हैं, भतुआ दान करते हैं, गुप्त दान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भगवान का व्रत है। इससे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सब सज धज के सब लोग औरत आती हैं, सब पूजा करती हैं। बहुत अच्छा है। राधा कृष्ण का है, सुहागन का है। हाँ, यही है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।